फटाफट आइए आप सभी का इंतजार चल रहा है यस yes, हम इसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सब बोल सकते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी केतन गुड इवनिंग खुशी आयुष दीपा आपको गुड आफ्टरनून आज का जो हम सेशन अभी करेंगे इसमें जो टॉपिक हमने कवर किए थे हेड्स ऑफ इनकम को लेके, उसमें से दो इंटरेस्टिंग हेड हम डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नंबर वन हाउस प्रॉपर्टी और नंबर टू इनकम फ्रॉम अदर ये जो दोनों हेड की हम बात कर रहे हैं इससे पहले कि हम हमारा आ, ये सेशन शुरू करें इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे तो आ, आप वो लिंक को क्लिक करेंगे तो हम जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वो सारी उसकी समरी दोनों हेड्स की आपको इन द लिंक्स इट विल बी अवेलेबल जी कुशल गुड इवनिंग विंध्या गुड आफ्टरनून नम्रता गुड इवनिंग सो अगर इनकम टैक्स के पोर्शन की हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स के पोर्शन में आ, हम देखेंगे कि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू स्टडी उसके कोर्स कंटेंट उसके सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें कई सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी रहती है लेकिन फिर भी अगर हम समअप करें तो किसी भी लेवल ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की हम बात करें चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी से लेके हो चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंसी से लेके हो आज इनकम टैक्स में जितने भी पोर्शन uh, आते हैं जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप समझिए उनके सिलेबस कवरेज की या कोर्स कवरेज की बात करते हैं तो इनकम टैक्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सेवेंटी परसेंट एरिया आई रिपीट एटलीस्ट कम से कम सेवेंटी परसेंट एरिया जो है वो हेड्स ऑफ इनकम को रिलेट करता है जो इनकम टैक्स के पांचों हेड्स यानी अगर सिर्फ ये पांच हेड्स हमारे तैयार हो जाते हैं तो इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट पोर्शन हम मान के चलते हैं कि हमारा फिनिश्ड है तो बाकी जितने टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाता है टीडीएस वगैरह हो जाता है तो वो सब बैलेंस थर्टी परसेंट में कम्प्राइज करता है तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द फाइव हेड्स ऑफ इनकम तो uh, मैंने सोचा कि आज हम इसी दो हेड्स पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव के प्यारे बच्चे हैं उनसे बातचीत करके विथ की वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन एटलीस्ट टू हेड्स ऑफ इनकम और वो दो हेड्स अभी हमने पिकअप किए हैं द नंबर वन इज हाउस प्रॉपर्टी एंड नंबर टू इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो चलिए आइए विदाउट एंट्रिंग इन टू फर्दर डिटेल्स सीधा हमारे टॉपिक पे एंटर करते हैं दैट इज लेट स्टार्ट विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की बात करते हैं तो आज हमें पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में ओवरऑल अच्छा एक बात बताइए पहले तो मुझे जरा जस्ट बता दीजिए इनकम टैक्स में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस तो बता दीजिए जल्दी से रिप्लाई करिए इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शंस हुए हैं पूरे एक्ट में हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 यस अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई फटाफट टोटल सेक्शंस इनकम टैक्स में गुड इवनिंग प्रियांशु जी हम अमेंडमेंट्स केतन हम सब चीज पे फोकस रखेंगे इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स तो जो भी लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस एक्ट नाइनटीन जो कि अभी आने वाले एग्जाम में आने वाला है उसको हम कवर करेंगे यस सो आई एम गेटिंग द रिप्लाई नंबर ऑफ सेक्शन टू नाइनटी एट टू नाइनटी एट टू नाइनटी एट ठीक बात है टू नाइनटी एट सेक्शन बिल्कुल सही जवाब है तो पूरे एक्ट में हमारे पास टू सेक्शंस एट सेक्शन है बट ये एक्ट की ड्राफ्टिंग इतनी ब्यूटीफुली की हुई है कि इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो सकता ना जी प्रियांशु जी 300 नहीं होते 300 320 नहीं 298 सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में अब ये जो 298 सेक्शंस हैं इसकी ड्राफ्टिंग जो मैं आपको बता रहा था वो इतनी ब्यूटीफुली की गई है कि ज़्यादा स्ट्रेस लगाना ही नहीं पड़ता कि कौन सा सेक्शन किस रेंज पे फॉल करेगा जैसे कि एक सेक्शन में अगर मैं आपको बताऊँ तो सेक्शन फोर्टीन होता है सेक्शन 14 जो है वो बेसिकली बोलता है कि आपके इनकम टैक्स में जो भी आप इनकम कमाएंगे उसमें ओवरऑल पांच हेड्स आपको देखने को मिलेंगे तो इनकम टैक्स इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फाइव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ हेड और सेक्शन 15 से ही वही हेड्स चालू भी हो जाते हैं तो फ्रॉम सेक्शन फिफ्टीन टू सेक्शन फिफ्टी 15 से लेके 59 तक पूरे इनकम टैक्स में जो भी आप इनकम कमाते हैं उसके हेड्स की बातें बस इन्हीं सेक्शंस में आपको मिलेंगी तो जिस भी तरीके की इनकम आप कमाते हैं आप बस उससे रिलेटेड सेक्शन जाके पढ़िए एंड एटलीस्ट इनकम कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हमारा पूरा इसी कवरेज में खत्म हो जाता है तो उन्हीं में से सेक्शन 22 से 27 जो है उन्हीं में से सेक्शन 22 से जो सेक्शन 27 है वो पूरा डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ये दूसरा हेड रहेगा करेक्ट तो इससे पहले जो पहला हेड है वो रहता है इनकम फ्रॉम सैलरी अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेक्शन 22 से 27 रहता है कोई भी एक्ट होता है तो उसमें किस तरीके की चीजें पे टैक्स लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी चार्जेबिलिटी पे कि क्या वो चार्जिंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पा रहा है वेदर इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ चार्जिंग सेक्शन तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में पूरे इस हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें ट्वेंटी से ट्वेंटी तो ये पूरी इसकी सेक्शन कवरेज है जिसको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी टू से लेकर तक तो कोई भी इनकम किसी हेड में आएगी आएगी या नहीं आएगी, वो उसका यानी चार्जिंग सेक्शन से डिटरमाइन होता है तो आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसका सेक्शन कवरेज ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन है उसकी भी चार्जेबिलिटी जो है ऑब्वियसली जो उसका पहला सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का इज सेक्शन ट्वेंटी टू उसी से चालू होती है तो इनकम टैक्स में जो सेक्शन 22 है इट डील्स विद द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर मैंने 22 में लिखी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो आगे का रास्ता ही मुझे नहीं मिलने वाला एटलीस्ट मैं जो भी कमाऊंगा वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो नहीं आने वाली सो इफ आई वॉन्ट टू एंटर इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आई नीड टू सेटिस्फाई द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू तो उस चार्जेबिलिटी की अगर हम बात करें तो तीन शर्तें तीन बातें बोली गई हैं. अगर ये तीन बातें हम पूरी करते हैं आप जो भी मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूँगा. तो ध्यान रखिए यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दो ऑफ क्वेश्चन हम केवल रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं यूं समझिए सीधा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जो सेक्शन 22 है जिसकी चार्जेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो इट लेस डाउन थ्री डिफरेंट कंडीशंस अगर उन कंडीशंस की हम बात करें तो सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है कि इन ऑर्डर टू टेक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड अपर टेन एंड डेट दिट मीन्स अनलेस देयर इज अ बिल्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रेलिवेंस ही नहीं है मतलब आज अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि देयर इज अ वैकेंट प्लॉट और वो वैकेंट प्लॉट से कुछ इनकम होती है तो वेदर that विल बी taxable अंडर हाउस प्रॉपर्टी जल्दी से बताइए वैकेंट प्लॉट से अगर मुझे कुछ कमाई हो रही है तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा यस और नो यस और नो क्या इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट प्लॉट से अगर मुझे कुछ कमाई होती है किस तरीके की कमाई हो सकती है तो आज मान लो मैंने प्लॉट किसी को किराए में दे दिया तो बताइए अगर मैंने किसी को प्लॉट किराए में दिया तो उससे मुझे जो इनकम होगी क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आ सकती है यस yes और no. Whether that विल बी taxable? उस जवाब के लिए आपको कंडीशंस पे ही फोकस रखना है कि कंडीशंस क्या बोलती हैं? इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड वो आएगा इफ द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड वो नहीं आने वाला तो यस yes, जवाब आ रहा है कि वो चीज नहीं वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों टैक्सेबल नहीं है उसके पीछे व्हाट इज द बेसिक रीजन उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि वो कोई बिल्डिंग नहीं है ऑर्डर टू टैक्स इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी उसकी शर्त क्या है शर्त नंबर एक है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग या फिर लैंड अपर टेन इंड टू वी से लैंड अपर्ट एंड एंड देयर टू तो उसका मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड होना तो इसका मतलब अगर वैकेंट प्लॉट है तो वहां तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं है एंड इफ देयर इज नो स्ट्रक्चर तो वो चीज एचपी हेड में नहीं आ सकती तो वैकेंट प्लॉट से होने वाली इनकम विल नॉट बी टैक्सीबल अंडर एच क्योंकि इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बींग अडिंग और अ लैंड कनेक्टेड टू अ बिल्डिंग कंडीशन नंबर टू जो की पूरी होनी चाहिए वो है वो बिल्डिंग किसकी रहनी चाहिए वो बिल्डिंग आपकी रहनी चाहिए यानी असेसी जो है ही मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग इसका मतलब अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो ही उससे जो इनकम होगी वो आपके हेड में टैक्सेबल होगी इफ यू आर नॉट द ओनर इट मे नॉट बी इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इसका मतलब आज ओनर क्या कौन होता है मतलब मेरी प्रॉपर्टी मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो मैं उसका मालिक हूं तो उससे अगर कुछ इनकम होगी तो ही वो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी में आएगी लेकिन अब वही मान लो सवाल नंबर दो अगर मैं प्रॉपर्टी सबलेटिंग करता हूं यानी अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया तो उससे अगर उसे कुछ इनकम होती है मान लो किराया मिलता है सबलेटिंग रिसीड्स मिलती है क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा हाँ या ना यस अगेन एक और सवाल आपके लिए लेटमी चेक हाउ मच यू आर अपू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर मैंने प्रॉपर्टी सबलेट करी है और मुझे कुछ किराया मिल रहा है तो सबलेटिंग का किरायाटी येस और नो यस और नो यस और नो सोच के जवाब दीजिएगा अगर हाउस प्रॉपर्टी में आना है तो उसे ट्वेंटी टू की बातों को पूरा करना पड़ेगा बात नंबर एक थी कि बिल्डिंग होना चाहिए या लैंड कनेक्टेड देयर टू होना चाहिए देट इज अपर टेन देयर टू और कंडीशन नंबर टू थी अस एसी मस्ट बी द ओनर तो वो ओनर होगा तब उससे होने वाली इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी तो जब आप प्रॉपर्टी को सबलेट करते हैं सबलेटिंग से जो रिसीट्स आती हैं सबलेटिंग से रिसीट्स वेदर इट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी और नॉट तो इसका भी अब मुझे जवाब मिल रहा है कि नो सर वो टैक्सेबल नहीं होगा नहीं 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 होगा बिल्कुल आपका सही जवाब है कि वो टैक्सेबल नहीं होगा और वो नहीं होने के पीछे एकमात्र कारण क्या है कि आप सेकेंड कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं जब आप सबलेट करते हैं तो यू आर नॉट द ओनर एंड जब भी आप ओनर नहीं हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता वो कहाँ जाएगा वो वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है बट इस हेड में तो नहीं आएगा ये बात पक्की हो गई और तीसरी शर्त तीसरी शर्त रखी गई है कि प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी में आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं होना चाहिए यानी प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर द परपज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द उस प्रॉपर्टी में आपको अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करना है ध्यान रखिए क्या बोल रहा है उस प्रॉपर्टी में बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करना है ये नहीं बोल रहा उस प्रॉपर्टी का बिजनेस प्रोफेशन नहीं करना है इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है कि यू शुड नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन इन दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसिस वहां पे आपको अपना बिजनेस नहीं करना है तो चलिए चार्जेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक आखिरी सवाल आपसे मैंने किसी को वो प्रॉपर्टी किराए में दी थी और जिसको मैंने किराए में दी अब वो व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी पर अपना बिजनेस कर रहा है और मुझे किराया दे रहा है तो अब आपसे सवाल है मुझे जो रेंट मिला वेदर दैट इज टैक्सीबल फॉर मी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और नॉट जवाब भेजिएगा क्या वो रेंट मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी में टेक्सीबल होगा कि नहीं होगा कि मैंने जिसको प्रॉपर्टी किराए में दी हीज़ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस प्रोफेशन वैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और नॉट तीन कंडीशन हैं तीनों कंडीशंस माननी पड़ेंगी तीनों में से कोई भी एक से नहीं चलेगा तीनों की तीनों माननी पड़ेंगी और जब तक आप ये तीनों नहीं मानेंगे ट्वेंटी टू एक समझिए राजा का दरबार है तो वो राजा का दरबार तभी खुलेगा जब आप उसकी तीनों सही चाबियां फिट करेंगे तो चाबी नंबर एक क्या थी चाबी नंबर एक थी कि बिल्डिंग होना चाहिए खाली ज़मीन पे ले जा दिखाओगे तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी तो बिल्डिंग होना चाहिए चाबी नंबर दो कि असेसी उसका मालिक होना चाहिए तो सबलेटिंग वबलेटिंग जिसमें आप मालिक नहीं है वो चीज़ नहीं आ सकता और चाबी नंबर तीन कि आपको उसमें अपना बिज़नेस प्रोफेशन अस का बिज़नेस प्रोफेशन नहीं करना तो मुझे जवाब मिल रहे हैं कि जो आप सब लेटिंग करते हैं जो जो आपने अगर किराए में दिया वो किराएदार अगर किसी को उसमें अपना बिज़नेस करता है और आपको रेंट देता है तो वो रेंट आपके लिए बिल्कुल सही जवाब आप है सभी का कि इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली वो चीज हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा फॉर द वेरी सिंपल रीजन मनाई किसको है मुझे है यानी जो ओनर है ओनर शुड नॉट कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन इन दैट प्रीमिसिस मनाई दूसरे को नहीं है यानी टेनेंट चाहे तो उसमें अपना बिजनेस प्रोफेशन रन कर सकता है तो करेक्ट तो सब भी नहीं आता लेकिन टेनेंट जो है वो अपना बिजनेस प्रोफेशन करे तो वो कर सकता है तो ये कुछ स्पेशल यूनिक बातें थी 22 से जुड़ी भी जो पूरी तरीके से हमने देख ली यस yes, तो यानी ट्वेंटी टू की जो तीन प्राइम बातें थी चाहे चाहे हमसे सवाल एम सी क्यू में आए चाहे डिटेल्ड बेस्ड क्वेश्चन आए हर तरीके के सवाल में हमारा जवाब बड़ा कॉमन हो जाएगा कि सेक्शन ट्वेंटी टू में कौन सी कंडीशन होती नहीं होती वो सारी बातें अभी हमने डिस्कस कर ली तो अब अगर मानिए मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि मेरी बिल्डिंग है मैं उसका मालिक हूँ और मैं उस पर अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं करता तो उस बिल्डिंग से मैं जो भी कमाऊंगा वो कमाई की इनकम मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी करेक्ट तो ट्वेंटी टू क्या बोलता है उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है अब एनुअल वैल्यू क्या होता है ये पूरा बताता है सेक्शन 23 जो कि अगला सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू उससे पहले कुछ मैं आपको अगर कंप्यूटेशन कुछ जानी पहचानी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो आज प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है एक प्रॉपर्टी जो आप किराए में देते हैं जिसे हम फेमसली लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं मतलब प्रॉपर्टी के साथ मैं दो चीज़ें कर सकता हूं या तो मैं प्रॉपर्टी को किराए पे दूंगा अगर मैंने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है तो वो लेट आउट हो गया या फिर उस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूँगा जिस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं we'll ये दोनों, क्यों किया गया? क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव आता है करेक्ट तो जब भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए सबसे हेड बड़ा आसान है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर खो जाते हैं करेक्ट तो वो हेड का कैलकुलेशन किस तरीके से हमें रखना चाहिए किन बातों को फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले कभी भी आप क्वेश्चन देखें तो आपको पहले मन में ही क्लियर कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड की बात कर रहा है क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होता है फॉर्मेट एक है लेकिन सोचने के तरीके बदल जाते हैं जब हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलती है यानी सबसे पहले हम उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं क्या होगा उस पर अभी हम आएंगे फिर दूसरा उसमें हम माइनस करते हैं म्यूंसिपल टैक्स म्यूनसिपल टैक्स जो भी आप पे करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो चीज़ माइनस होता है और वो माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू तो ये जो तीनों चीजें होती हैं ये पूरी की पूरी होती हैं अंडर सेक्शन 23 यानी ये तीनों बातें जो हम कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सेक्शन ट्वेंटी थ्री की करेक्ट तो चाहे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना हो चाहे म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन देना हो चाहे नेट एनुअल वैल्यू लाना हो ये सब आता है अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री फिर उसके बाद क्योंकि इनकम आपको सिर्फ जो ओवरऑल मिलती है वही इनकम नहीं होता उस इनकम को कमाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंस आप करते हैं वो आपको माइनस भी किया जाता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो किराए की इनकम आपको हो रही है उससे कुछ लेस करने के लिए सेक्शन 24 जो है वो कुछ डिडक्शंस देता है तो 24 में कुछ डिडक्शन की अगर बात करें तो ऐसे दो डिडक्शन मिलते हैं एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जिसमें आपको सारी बातें हाउस प्रॉपर्टी की मिल जाएंगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में भी दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं एक होता है करेंट ईयर इंटरेस्ट और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसके बाद ये जो माइनस करने के बाद आया जो फिगर आया उसको हम बेसिकली बोलते हैं अगर प्लस में फिगर बचा तो वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और वही फिगर अगर माइनस में आ जाता है तो विल अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी इनकम भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है फिर इस पार्ट पे हम थोड़ा समय में आएंगे तो यानी लेट आउट है तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सारे अमाउंट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे तब जाके यू विल अराइव एट इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेकिन वही अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहता है तो आप अपने काम को बड़ा आसान बना सकते हैं क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करने के सारी डिटेल सारी जानकारियां देता है लेकिन अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें आप सारे एरिया ऑफ मिस्टेक्स को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं कैसे बाय फॉलोइंग अ सिंपल बेसिक वो बेसिक्स क्या है कि ये फॉर्मेट में आप वो सारी चीज़ों को पहले से ही बिना क्वेश्चन को पढ़े निल लिख दीजिए अगर क्वेश्चन में मिल गया कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो बिना पढ़े ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू जो 24 का डिडक्शंस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन को पहले से ही निल लिख दीजिए जीरो लिख दीजिए ये लिखने का फायदा क्या होगा ये लिखने का सिंपल फायदा यह है कि गलती से भी आपसे गलती नहीं होगी करेक्ट इट विल रिक्वायर वेरी डिफिकल्ट वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू टू डू सम काइंड ऑफ एरर वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बेसिक्स को फॉलो करें तो कारण क्या है नील लिखने के लिए तो अभी देखेंगे सेक्शन 23 का ही एक सब सेक्शन टू है जो बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू यानी नेट एनुअल वैल्यू निल रहती है तो अगर नेट एनुअल वैल्यू निल है तो ऑटोमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन नील हो जाती है तो केवल एक ही चीज जो माइनस होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो देखिए केवल वही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आता है तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो या तो मेरी उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, दैट इज जीरो अगर मान लो मैंने कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं है और अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो आई विल ऑलवेज हैव लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में कभी भी मेरे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आ सकता आइदर इट विल बी जीरो और इट विल बी अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेक्ट तो अब ये एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं एनुअल वैल्यू को अगर निकालना है तो 23 का जो सेक्शन है वो पूरी डिटेल आपको देता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट एनुअल वैल्यू करेक्ट जब एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन की बात आती है तो आज एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है यानी कौन सी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी कैसी है या तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकती है या वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो भी प्रैक्टिकल सवाल अगर हाउस प्रॉपर्टी से पूछा जाएगा अगर ये चार्ट के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो देर इज नो वे कि आप उसमें किसी भी तरीके की गलती

फिर एक होता है फेयर रेंट और एक होता है स्टैंडर्ड रेंट और एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट ये चार प्रकार के रेंट जो हैं वो बेसिकली शामिल होते हैं करेक्ट वी हैव मुंसिपल वेलुएशन आज कोई भी प्रॉपर्टी हो तो म्यूनसिपैलिटी कुछ ना कुछ उसका रेंट निकालती है तो जो रेंट मुंसिपैलिटी निकालती है उसको हम म्यूनिसपल वेल्युएशन रेंट बोलते हैं लेकिन जरूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टी का रेंट एक जैसा हो हो सकता है मार्केट में रेट्स कुछ और चल रहे हों करेक्ट हो सकता है आपके घर के बाहर कैटरीना कैफ का घर हो तो ऑब्वियसली अगर ऐसा हो जाए कि आपके घर के बाहर या आपके घर का नेबर ही आपकी कैटरीना कैफ है तो आपके घर का रेंट कुछ ज़्यादा हो सकता है या वहीं कोई दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ पे आपके घर की कंडीशंस या जो सराउंडिंग्स है वो उतनी अच्छी नहीं थी तो दूसरे का घर जो है वो ज़्यादा कीमत में बिकता है आपका घर कम कीमत में बिकता है यानी जो मार्केट एक तरीके से वैल्यू है उसको हम फेयर रेंट का दर्जा दे देते हैं तो ये दूसरे प्रकार का रेंट होता है फिर तीसरा रेंट होता है स्टैंडर्ड रेंट कुछ सिटीज़ में इंडिया में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाता है ताकि आप एक लिमिट से ऊपर किसी से रेंट चार्ज ना करें तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो रेंट चार्ज किया जाता है जो रेंट की लिमिट सेट की जाती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट करेक्ट तो ये तो तीन ब्रॉड तरीके के रेंट होते हैं और इन तीन तरीकों के रेंट से एक चौथा रेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट इन तीन तरीके के रेंट से हम चौथा रेंट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट तो अब अगर मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट है ये सब रेंट मैं आपको क्यों बता रहा था क्योंकि अगर आपको लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालनी है तो ये रेंट से होके गुजरना पड़ेगा आपको तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में पहले सिंपल सा केस अगर मानते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी पूरे साल भर के लिए किसी को किराए में दे रखी है लेट आउट कर रखा है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इफ इट इज लेट आउट फॉर द होल ईयर तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी वो डेटा डेटामाइन करना है तो तीन स्टेप्स में मेरे को एनुअल वैल्यू डेटामाइन किया जा सकता है आई कैन डेटामाइन एनुअल वैल्यू इन थ्री डिफरेंट स्टेप्स और वो तीन स्टेप्स क्या हैं स्टेप नंबर वन में मेरे को कंपेयर करना पड़ता है म्यूनसिपल वैल्यूएशन मतलब यूँ समझिए गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया रेंट और मार्केट में जो चल रहा रेंट है दैट इज फेयर रेंट दोनों में से विच एवर इज हायर मतलब गवर्नमेंट जो रेंट बोले या फेयर रेंट जो है दोनों में से विच एवर इज हायर वो उसकी वैल्यू रहती है स्टेप नंबर टू पर हम आ जाते हैं तो स्टेप नंबर टू क्या बोलता है वो बोलता है कि भैया जो भी आपकी आ, आ, स्टेप वन की वैल्यू आई वो अमाउंट या फिर जो अगर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया तो उससे ज्यादा तो आप चार्ज कर ही नहीं सकते तो स्टेप वन की वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड रेंट एवर इज लोअर वो हमारा रहता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और उस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू यानी यही इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेप वन और स्टेप टू इस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं विद द ए और वो जो ए से आया उसको हम फाइनली बोलते हैं हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी इसको एक्चुअल जो हमें किराया मिला उससे कंपेयर करेंगे तो तीन स्टेप स्टेप वन वैल्यूशनफेयर रेंट स्टेप टू जो स्टेप वन की वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में से जो लोअर आया स्टेप टू में वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बनता है और स्टेप थ्री में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एवर इज हायर वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनता है अब ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है इसमें म्यूंसिपल टैक्स को माइनस करना और हमें नेट एनुअल वैल्यू जो है वो मिल जाता है ठीक उसी प्रकार से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी वैकेंट हो तो इफ दर इज अ केस ऑफ वैकेंसी ड्यूरिंग द ईयर तो उस केस में स्टेप टू यानी एक्सपेक्टेड रेंट तक जो हम निकालते हैं वहां तक का पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा यानी पहले हम उसी तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुंचते हैं लेकिन वहां पर एक नई चीज निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज प्रपोशनेट एक्सपेक्टेड रेंट प्रपोशनेट एक्सपेक्टेड रेंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि जितने महीने एक्चुअली में मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी या डीम टू बी लेट आउट थी उतने महीने का एक्सपेक्टेड किराया कितना होता है तो वो से निकाल सकते हैं वो निकालने का सिंपल तरीका है जितना भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है अमाउंट बाय कितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट थी मान लो दस महीने किराए पे थी तो भैया बारह महीने का किराया था दस तो महीने का कितना एक्सपेक्टेड रेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ फॉर विच इज लेट आउट या फिर डीम टू बी लेट आउट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो इससे हमें प्रपोशनेट रेंट मिलता है और उस प्रपोशनेट एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे हम फिर कंपेयर करते हैं अगर मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो इस प्रपोशनेट रेंट से ज़्यादा है तो एस एस सी का व्यू हमेशा सही हो जाता है कि उसका एक्चुअल रेंट कम क्यों आ रहा था एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से तो ऐसे वक्त जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो एस एस सी जो बोलता है वो ले लेते हैं देट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीव रिसिवेबल लेकिन वहीं अगर एक्चुअल रेंट प्रपोशनेट वाले रेंट से भी कम हो जाता है तो फिर तो कोई रीजन नहीं बनता कि क्यों आ अपना एक्चुअल रेंट कम ले रहे हैं आपका तो रेंट ज्यादा होना चाहिए था हम वो रीजन पे एंटर नहीं करना चाहते तो जो आपकी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही एनुअल वैल्यू बन जाता है अब यहां पर हम अक्सर गलतियां करते हैं और गलतियां क्या होती है कि जो हम प्रपोर्शनट एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं दिस इज द एरिया ऑफ मिस्टेक वो हमें अवॉइड करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा ई ER होगा पीई कभी भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं बनता तो इससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया अगेन वापस नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है तो म्यूनिसपल टैक्स को माइनस करेंगे तो विल अराइव एट नेट एनुअल वैल्यू तो ये दो केसेस बनते हैं लेट आउट वाली प्रॉपर्टी के केस में वहीं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है इंक्लूडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट अभी तक इस साल से अमेंडमेंट क्या किया गया कि अब आपको ऑप्शन दे दिया गया दो घरों का तो अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है वो दो घर का मॉडिफिकेशन uh, uh, क्या है कि अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है जिनको आप सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं फॉर द होल ईयर तो ट्वेंटी थ्री कि भैया उसकी नेट एनवे वैल्यू निल है लेकिन अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर पा रहे फॉर द होल ईयर तो फिर क्या कारण है उसके पीछे वजह जानी जाती है उसके पीछे वजह है कि भैया मेरा किसी दूसरी जगह पे बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन बींगड ऑन एट अदर प्लेस मेरा घर है रायपुर में छत्तीसगढ़ में लेकिन मेरा बिजनेस बॉम्बे में चल रहा है जिसकी वजह से मुझे बॉम्बे में जाकर रहना पड़ता है पर मैंने रायपुर वाला घर किसी को किराए में नहीं दिया ध्यान रखिएगा अगर मैं किराए में दे दूंगा तो वो लेट आउट वाले केस में चल जाएगा तो रायपुर में मेरा घर है मैं बॉम्बे में काम करता हूं जिसकी वजह से रायपुर का घर ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा हूं तो वो वजह है तो भी मेरे घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे तो उसका एनुअल वैल्यू वही रहेगा दैट इज निल लेकिन कोई दूसरा कारण है तो फिर उस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे और अगर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया तो मतलब उसका वेल्युएशन कैसे होगा जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी का वेलुएशन होता है ठीक उसी प्रकार से उसका वेलुएशन जो है वो किया जाता है फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता हूं और फर्स्ट फ्लोर किसी को किराए में दे दिया कई बार ऐसा देखा गया है तो अगर इस तरीके से आप बंटवारा कर देते हैं तो क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया गया है कि एक फ्लोर एस एस सी ऑक्युपाई करता है और एक फ्लोर उसने किराए में दे रखा तो आपको क्या करना है आपको उसे सिंपली अलग अलग घरों की तरह ट्रीट करना है तो जब अलग अलग घरों की तरह ट्रीट करना है तो जो पार्ट इफ़ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्युपाइड तो जो पार्ट आप सेल्फ ऑक्युपाई करते हैं उसको सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह ट्रीट करें यानी सेल्फ ऑक्युपाइड की ट्रीट करके उसकी एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी और जो पार्ट आपने किराए में दिया उस पार्ट को आप लेट आउट ट्रीट करें और लेट आउट ट्रीट करें तो उसका वैल्युएशन जैसे लेट आउट का होता है यहां पे उस तरीके से वैल्यूशन किया जाएगा करेक्ट तो ये होता है दो प्रॉपर्टी के केस में अब अगर मेरे पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो 23 थ्री सब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है तो 23 थ्री सब सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो कोई भी दो प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन जो आपकी मर्जी हो क्या आ, वो आप क्या कर सकते हैं कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं और जिसको भी सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं इसका मतलब साफ है कि उसका नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से

सकता हूं यस और नो कि एक बार जिसको आपने कर लिया उस उन्हीं दो घर को आपको हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा यानी क्या ईयर ऑन ईयर आप वो ऑप्शन दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का चेंज कर सकते हैं यस और नो इसका जवाब जल्दी से मुझे भेज दीजिए करेक्ट इस तरीके से हमने पूरे अलग अलग सारे जितने भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं क्वेश्चंस के वो सब एनुअल वैल्यू के हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं करेक्ट जल्दी से मुझे बता दीजिएगा अगर दो प्रॉपर्टी मैंने हाउस वन और हाउस टू को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट ईयर मान सकता हूं या अब मुझे हमेशा के लिए वन और टू को ही सेल्फ मानना पड़ेगा क्या क्लेम और नो मतलब ये सवाल है विद द परमिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर विद द परमिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर केतन जी Uh, कि आपने जो जवाब दिया विद द परमिशन ऑफ असिसिंग ऑफिसर एक्चुअली आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया वो एक टॉपिक होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का हम क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ते हैं कि अगर एक बार इनकम एक स्पाउस में क्लब हो जाती तो दूसरे स्पाउस में क्लब करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ये उसमें पढ़ा था एचपी में कहीं भी नहीं पढ़ा हमने ऐसा इसका मतलब एट द ऑप्शन ऑफ द से आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है इस साल मैं हाउस वन हाउस टू ले सकता हूँ अगले साल हाउस टू हाउस थ्री भी ले सकता हूँ कोई रोक टोक नहीं है बस दो ही घर लेना है दो से ज्यादा घर आप नहीं ले सकते ये बात को ध्यान रखेगा अब इसमें अगला जो है वो है डिडक्शन को लेकर डिडक्शन सिंपली दो डिडक्शन स्टैंडर्डक्शन है जितने भी एक्चुअल क्वेश्चन में मिलते हैं हमेशा वो सब रहती है इसलिए यहां पे लिख दिया एक्चुअल एक्सपेंसिस टू बी इग्नोर्ड क्यों क्योंकि उन सबकी जगह पे एक सिंगल डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज थर्टी परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ठीक उसी प्रकार से इंटरेस्ट में दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं करेंट ईयर में आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं जैसे अगर हमारे लिए ईयर 1920 है तो 1920 में मैं जो भी इंटरेस्ट दूं, इर ऑफ द फैक्ट कि वो प्रॉपर्टी मेरी फर्स्ट अप्रैल 19 को बनी जून 19 को बनी दिसंबर 19 को बनी कि किस्ट मार्च 20 को बनी एक भी दिन अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ गई तो ध्यान रखेगा पूरे साल भर का इंटरेस्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है वो करेंट ईयर इंटरेस्ट में आ जाता है और जो भी करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा वो करेंट ईयर इंटरेस्ट क्या होता है फुल्ली अलाउेबल होता है तो फिर दूसरा केस होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का व्हाट इज मेन बाय प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्योंकि जिस जब तक मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन स्टेज में रहती है तब तक हो सकता है मैं लोन का इंटरेस्ट तो चुका रहा लेकिन इनकम टैक्स में मुझे कहीं बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि देर इज नो बिल्डिंग इन एग्जिस्टेंस सेक्शन ट्वेंटी याद आ रहा होगा आपको तो इसलिए उस दौरान मैंने जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो सारा इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहता है और वो टोटल इंटरेस्ट जितना बनता है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो वो चालू कब से होता है जब से मैंने लोन लिया तब से लेके जिस साल मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होती है उसके पिछले साल की आखिरी तारीख ऐसा क्यों उसके पिछले साल की आखिरी तारीख क्योंकि करंट ईयर में तो जब मेरी प्रॉपर्टी कभी भी कंस्ट्रक्ट हो वो पूरे साल का इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट बन जाता है तो इसलिए पिछले साल की आखिरी तारीख तक का जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाता है तो उतना जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा वो हो सकता है दो साल का हो चार साल का हो आठ साल का हो जितने भी सालों का इंटरेस्ट हो वो टोटल इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट को हम फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं अब ये जो फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट को जब हम सम अप करते हैं, तो वो आता है अलाउेबल अंडर सेक्शन ट्वेंटी करेंट इंटरेस्ट और, वन और इससे टोटल इंटरेस्ट बनता है और वो टोटल इंटरेस्ट जितना भी आया अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ध्यान रखिए वो फुल्ली अलाउेबल है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इट इज फुल्ली अलाउेबल लेकिन अगर गलती से भी वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड में केवल एक ही चीज माइनस हो जाता है वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो यही है लेकिन ध्यान रखेगा कि वो जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दो लाख ही माइनस हो सकता है उससे ज्यादा वो इंटरेस्ट माइनस नहीं हो सकता सो मैक्सिमम इंटरेस्ट वॉट कैन बी सब्रेक्टेड इज टू लेख रुपीज पर वो दो लाख के लिए भी कुछ शर्त है वो शर्त जैसे यहाँ पे मैं मैंने आपको बता दी कि लोन एक अप्रैल 99 के बाद होना चाहिए घर को खरीदने या बनाने के लिए लिया होना चाहिए जब लोन लिया पांच साल के अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ये चार कंडीशन आप पूरी करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट आप देते हैं वो पूरा मैक्सिमम दो लाख तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा अब ये दो लाख करेंट ईयर इंटरेस्ट है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है किस चीज का दो लाख है सबका मिला के टोटल इंटरेस्ट बोल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये लिमिट किसकी है टोटल इंटरेस्ट लाख मिलेगा लेकिन अगर ये चारों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर वो लिमिट आके तीस हजार तक रिड्यूस हो जाता है तो दैट वॉज अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर ट्वेंटी फोर कंप्यूटेशन वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये दो ही एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल केसेस में यानी एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसमें से म्यूनिसपल टैक्स जो माइनस किया वो उससे हमारा नेट एनुअल वैल्यू आया नेट एनुअल वैल्यू में हम डिडक्शन माइनस करते हैं ये जो डिडक्शन माइनस करने के बाद आया उसको जो हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या माइनस में रहा तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर अगर कोई पुराना डूबा हुआ पैसा कभी मिलता है अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होती है या एरियज ऑफ रेंट मिलते हैं तो सिंपल सा एक सेक्शन है दैट इज ट्वेंटी ए और वो सेक्शन में सिंपली क्या बोला जाता है की, पूरा 25 फाइव ए में जितना भी ऐसा रेंट मिला या एरियास मिला जितना भी रेंट मिलेगा उसमें 30 परसेंट माइनस कर दीजिए तो रेंट रिसीव लेस थर्टी परसेंट माइनस करने के बाद जो आया उसको भी हम ऐड कर देते हैं एंड विद दिस वी फाइनली अराइव एट ग्रॉस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मतलब ये हमारा फाइनल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बनता है अब इसके अलावा यानी और जो सेक्शन है यानी ट्वेंटी देख लिया हमने ट्वेंटी देख लिया ट्वेंटी ए मैंने आपको बता दिया ट्वेंटी फाइव एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी बोलता है कि अगर आपने बाहर से इंटरेस्ट लिया आउट ऑफ इंडिया और टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी थी बिना डिडक्ट के पेमेंट कर दिया तो उस केस में आ, जो इंटरेस्ट जो आपको अदरवाइज डिडक्शन मिल जाता था वो नहीं मिलता ट्वेंटी सिक्स डील्स विद केसेज ऑफ को ओनरशिप को ओनरशिप में कई बार मल्टीपल ओनर्स रहते हैं तो मल्टीपल ओनर्स रहते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना आपको जैसे आप नॉर्मली इनकम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करें और उसके बाद क्या करना रहता है आपको वो इनकम को बाइफर्केट कर देना है जितने को ओनर्स हैं तो वो इनकम उतने ओनर्स में बढ़ जाएगी लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर को ओनर्स हैं तो वो जो लिमिट है सेल्फ के ऑक्युपाइड के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन की लिमिट वो हर को ओनर को दो दो लाख की लिमिट मिलेगी क्योंकि वो दो लाख की लिमिट अस प्रपर्टी वाइज ना कि प्रॉपर्टी वाइज एरिया ऑफ मिस्टेक अनदर एरिया ऑफ मिस्टेक जहां पे आप दो लाख प्रॉपर्टी की लिमिट लगाएंगे जबकि वो दो लाख किसके लिमिट है एसएससी की के लिमिट है एंड लास्ट इज कुछ केसेज हैं अबाउट डीम्ड ओनरशिप जहां पे ओनर uh, कोई और होता है लीगल लेकिन डीम्ड किसी और को माना जाता है तो अभी यानी हाउस प्रॉपर्टी में मोर और लेस इतना ही हमें डिस्कस करने को था अगर आपको ये पूरी तरीके से रिकॉल हुआ या समझ में आया तो जस्ट एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस ताकि मैं फिर दूसरे हेड में बढ़ सकूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हेड होने वाला है तो एक बार आपकी अवेलेबिलिटी बता दीजिए कि जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो तो सारी बातें आपको याद आई कुछ याद आया या नहीं आया यस और नो अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यस 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 तो यानि एक हाउस प्रॉपर्टी का जो हैड ट्वेंटी टू से ट्वेंटी सेवन था ये पूरी अच्छी तरीके से हमने जो उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो सभी हमने डिस्कस किए अब अगला जो हेड है आप सोच रहे हैं कि मैं ये हजार के नोट क्यों बता रहा हूं ये तो बंद हो गए करेक्ट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कुछ इसी प्रकार की इनकम्स की बात करता है किस तरीके की इनकम की बात करता है देखिए सेक्शन कवरेज इसका महज 56 से 59 यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इनकम टैक्स का लास्ट हेड है वो डील करता है केवल चार सेक्शंस को 56, 57, 58 एंड फिफ्टी और उसमें भी मेजॉरिटी पोर्शन जो है ध्यान रखिएगा आईओएस में कभी भी सवाल आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सवाल आएगा अबाउट गिफ्ट मेजर इंपॉर्टेंट एरिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करें तो ये सारे सेक्शन हैं जो उसमें कवर होता है यानी 56 जैसे कि आदत है इनकम टैक्स की पहला सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन होता है दैट इज अबाउट द दार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अब खास बात है कि इसकी जो चार्जेबिलिटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है किन दो हिस्सों में डिवाइडेड है एक है जनरल चार्जेबिलिटी और एक है स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी ठीक उसी प्रकार से 57 सेवन डील्स विद डिडक्शन अंडर आई यूएस जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्वेंटी फोर था यहां पे फिफ्टी सेवन है कुछ डिसअलाउंसेज होती है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो कवर्ड है फिफ्टी एट में और एक 59 जो है वो डीमिंग सेक्शन है कुछ इनकम को मान दिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो ये तो चार डायरेक्ट सेक्शन है जो इस हेड में आते हैं इनके अलावा और कई सेक्शन है जैसे कि टू अबाउट डीम डिविडेंड टू बी में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में टेन बड़ा ही कॉमन सेक्शन जो हर हेड में आता है बेसिकली दैट डील्स विद डिविडेंड लेकिन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बी डी ए में अब दस लाख के ऊपर का डिविडेंड दस परसेंट से टैक्सेबल कर दिया गया फाइनेंस एक्ट नाइनटीन वालों के लिए हंड्रेड ओ में कुछ सी के प्रोविजंस रहते हैं डिविडेंड से रिलेटेड उन्हीं इंटरेस्ट और कुछ टी की भी बातें हैं मतलब ये सारे पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यूज होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्शंस ये सब आपको समरी में देखने को मिल रहे हैं तो चलिए आइए कुछ उसकी चार्जेबिलिटी की बात करते हैं तो जो चार्जेबिलिटी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की 56 सिक्स की सबसेक्शन वन अब इस हेड में वही इनकम आएंगी जो तीन बातें पूरी करती हूँ अगेन देर आर थ्री कंडीशन फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर अदर सोर्सेस कंडीशन नंबर वन की उसका इनकम होना जरूरी है नहीं अगर कोई चीज जो इनकम ही नहीं है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में अदर uh, सोर्सेज में कैसे आ सकता है तो नहीं जो भी आप कमा रहे हैं उसका इनकम होना जरूरी है वो इनकम एग्जेम्ट नहीं होना चाहिए दैट इनकम शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट एक्जेम्ट की जब भी बात होती है तो अक्सर कौन सा सेक्शन याद आता है इनकम टैक्स में सेक्शन टेन हालांकि और भी सेक्शन है इलेवन ट्वेल्व जिसमें इनकम एक्सैम्ट होती है लेकिन मेजर एक्ज इनकम टैक्स में कहा सेक्शन टेन में तो वो इनकम कहीं भी टेन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर टेन में एक्सैम्ट है तो फिर टैक्स क्यों लगाओगे भैया उसमें और तीसरा वो किसी भी दूसरे हेड में नहीं जाना चाहिए दैट इज सैलरी एच पी पी जी बी पी कैपिटल गेन अगर ये बाकी किसी हेड में चला गया तो ये आईओएस की प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है यानी आईओएस हेड में वही आएगा जो बाकी सब हेड ने जिनको ठुकरा दिया हो तो अगर आप जो कमा रहे हैं वो इनकम है वो कहीं एग्जेम्ड नहीं है और वो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं है तो फिर वो इनकम आई में आती है तो इसके अंदर कई सारी इनकम्स आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आज आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो जो बैंक में पैसा पड़ा है बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है तो आज बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कहां जाएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली करेक्ट तो ऐसे कई सारी इनकम्स हैं जो आईओ में आती है लेकिन कुछ इनकम्स को ऐसी भी रखा गया जिसमें बोला कि स्पेसिफिकली ये वाली इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगी अब उसमें अक्सर कैसी इनकम्स को रखा तो उसमें कुछ इनकम्स इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने कि स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी में भी दो कैटेगरी है एक कैटेगरी है जहां पे कुछ इनकम को बोला गया कि दे आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आई यू एस कुछ भी हो जाए ये इनकम हमेशा आई ओ में आएगी वो किसी दूसरे हेड में नहीं जा सकती और दूसरा केस बना जहां पे बोला गया कि ये इनकम इस हेड में तभी आएगी इफ 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 नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पी यानी अगर वो इनकम पीजीबीपी में है यानी अगर आपका उसी चीज़ का बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा लेकिन अगर उस चीज़ का बिजनेस नहीं है तो फिर वो आईओएस में आएगा तो अब कौन कौन सी इनकम है जो स्पेसिफिकली आईओ एस में ही आती है तो उसमें सबसे पहली इनकम है डिविडेंड यानी अगर डिविडेंड मिलेगा तो इट इज स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर आईओ एस तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया डिविडेंड तो एक्जिमट होता है सेक्शन टेन सबसेक्शन थर्टी फोर फिर यह कैसे आ गया यहां पर डिविडेंड क्यों लिख दिया तो टेन थर्टी फोर में जो डिविडेंड एग्जिम्ट होता है उसमें हमने देखा है कि देर इज अ लिमिट ऑफ टेन लैक्स वो बिटिल फाइनेंस एक्ट नाइनटीन आगे की अगर बात करूं जो आपके एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट नहीं है लेकिन फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने तो वो लिमिट ही खत्म कर दी यानी नाउ डिविडेंड इज टैक्सेबल हंड्रेड परसेंट टैक्सीबल अब तो टेन थर्टी फोर रहा ही नहीं फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी में लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक फाइनेंस एक्ट नाइनटीन जो हम पे अप्लाई हो रहा है तो उसमें डिविडेंड जो है दस लाख रुपए तक डिविडेंड एग्जेम्ट होता है लेकिन अगर उसके ऊपर मिला तो अगर मुझे बारह लाख डिविडेंड मिल रहा है तो दो लाख तो टैक्सेबल होगा अब ये दो लाख टैक्सेबल होगा तो कहाँ टैक्सेबल करूँ पांच हेड है मेरे पास कौन से हेड में टैक्सेबल करो सो so, ऐसे डिविडेंड्स विल बी टैक्सेबल अंडर आई यू एस फॉरन कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड्स वो थोड़ी एक्ज है केवल वही डिविडेंड एग्जेम्ट होते थे जिन पे डोमेस्टिक कंपनी सी डी टी पे करती थी तो फॉरेन से जो डिविडेंड मिलता है फॉरेन कंपनी तो सी डी टी पे नहीं करती तो इसलिए वो सारे डिविडेंड्स कहाँ टैक्सेबल होते हैं वो सब यहाँ पे टैक्सेबल होते हैं अंडर फिफ्टी सिक्स टू तो वही सारी डिविडेंड की इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है आप जितने भी कैजुअल इनकम्स हैं ओहो कैजुअल इनकम्स की जब भी बात आती है मुंह में पानी आ जाता है कौन बनेगा करोड़पति गए खेलने और जीत के आ गए एक करोड़ रुपए, कोई भी गेम शो में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ मनी जीत गए वेदर बाय परफॉर्मेंस और बाय वोटिंग कोई भी तरीके से इस तरीके से आप जो भी कमाते हैं जिसमें एक तरीके से मेहनत कम लेकिन लक ज्यादा काम करता है हो सकता है मेहनत तो कई लोग करते हैं लेकिन लक सबका साथ नहीं देता इसलिए केबीसी में हर कोई नहीं जीत पाता तो जो जीते ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसी सभी इनकम्स को कैजुअल इनकम्स का कैटेगरी रखा तो जो भी कैजुअल इनकम्स हैं वो सारी कैजुअल इनकम स्पेसिफिकली पी आई हेड में ही टैक्सेबल होती है वो किसी दूसरे हेड में नहीं जाएंगी तो जैसे कि लॉटरी हो गया कार्ड गेम्स हो गया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हो गया गैम्बलिंग हो गया बैटिंग हो गया ऐसी कितनी भी चीजें हो वो सब यहीं पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर वो है गिफ्ट गिफ्ट रिसीव बाय एनी पर्सन फिफ्टी सिक्स टू टेन वो हमेशा आईओएस में ही टैक्सेबल होगा मैं बोलता हूं मेरा बिजनेस ही गिफ्ट लेने का है मेरा बिजनेस ही गिफ्ट लेने का है वेदर दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और आईओएस फटाफट मुझे बता दीजिए अगर मैं बोलता हूं मेरा बिजनेस ही गिफ्ट लेने का है तो वो इनकम मेरे लिए पी हेड में टैक्सेबल होगा कि वो इनकम मेरे लिए आई हेड में टैक्सेबल होगा प्लीज लेट मी नो फास्ट कि वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पी मेरा बिजनेस ही गिफ्ट लेने का है मैं इसीलिए बना हूं ताकि सब लोग मुझे गिफ्ट देते रहें तो आप सब मुझे गिफ्ट दे रहे हैं मैं उसी को अपना बिजनेस मान रहा हूँ पी जी बी पी और आई ओ एस आई ओ एस जल्दी बताइए पी जी बी पी आईओ वेटिंग फॉर योर आंसर करेक्ट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आईओ एस का यानी बिना इसको समझे आईओ एस की स्टडी हमेशा अधूरी रहेगी ये मान के चलिएगा करेक्ट तो अब ये जितने भी गिफ्ट मिले हैं ये गिफ्ट वाले प्रोविजंस यस मेरा बिजनेस भी हुआ तो भी ये टैक्सेबल किस में होगा तो भी ये टैक्सेबल आईओएस में ही होगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका कि इट टैक्सेबल अंडर आईओएस करेक्ट तो ये हमेशा आईओएस में ही टैक्सेबल होगा सो so, आगे बढ़ते हैं यानी कंफ्यूज या नहीं होना है, मेरा इसका बिजनेस होगा तो भी वो पीजीपी पर नहीं आईओएस में ही जाएगा और भी चीजें हैं अब इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं सीधा डायरेक्टली जैसे कि डिविडेंड अब डिविडेंड जो है नॉर्मली uh, जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड uh, आमतौर पे टैक्सेबल हो जाता है इफ इट द लिमिट ऑफ अब कुछ केसेस हैं डीम डिविडेंड के टू ट्वेंटी टू में तो टू ट्वेंटी टू ए से लेकर डी तक के जितने भी डिविडेंड होते हैं वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एक्ज होते हैं दस लाख रुपए तक और कंपनी जो है उसमें सी डी टी पे करती है अंडर सेक्शन 115 ओ oh, और वो जो सी डी टी देती है वो कितना सी डी टी पे करती है रेट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंट टैक्सेस पंद्रह परसेंट फिर उसमें 12 परसेंट सरचार्ज के नाम पे देती है और 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से जो हर कोई देते हैं तो वो कंपनी भी पे करती है लेकिन जो 222 ई का डिविडेंड है जहाँ पे कोई कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड वो किसी शेयर होल्डर को कोई लोन्स या एडवांसिस बांटती है और कंपनी का काम लोन देने का एडवांस देने का नहीं है तो वो अभी तक ये होता आ रहा था कि शेयर होल्डर्स के लिए वो एग्जेम्ट रहता शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होता था और कंपनी उस पे कंपनी वॉज जस्ट लाइबल टू डिडक्ट टी ये फॉर्मेलिटी होती थी लेकिन फाइनेंस एक्ट नाइनटीन ने इस पोजिशन को बदला और क्या बोला कि अब वो शेयर होल्डर्स के लिए पूरी तरीके से एग्जेमट है अंडर पे करने के लिए अंडर 115 ओ लेकिन वहाँ पे जो रेट रखा वो रेट कितना थर्टी परसेंट से कंपनी उस पर टैक्स देती है तो बस अब इतना ही ध्यान रखना है कि टू ट्वेंटी टू ई में कंपनी लाइबल टू पे सीडी टी और शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेमट है अब ये भी ध्यान रखना है कि यहां पे नो टेन लैक लिमिट नो लिमिट गलती एरिया ऑफ मिस्टेक आप फिर ये दस लाख की लिमिट यहाँ पे भी लगा देंगे टू ट्वेंटी टू ई के डिविडेंड के लिए वो दस लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती है तो ये वही पूरे अलग अलग केसेस जो टू ट्वेंटी टू के डिविडेंड्स के हैं वो सब नोट्स में मैंने आपसे शेयर किए हैं यस yes, अब इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें जो कैजुअल इनकम्स हैं कैजुअल इनकम्स पे एक सेक्शन है हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बी उसमें सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी कैजुअल इनकम होगी उस पर सीधा सीधा टैक्स लगेगा थर्टी परसेंट के हिसाब से तो उसमें इवन चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शन भी नहीं मिलती और इवन जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है स्लैब का ढाई लाख तीन लाख पाँच लाख जो भी है वो भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा मतलब अगर आप किस्मत तो आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट भी खुशकिस्मत आपने अगर एक करोड़ रुपये कमाए तो बिना सवाल जवाब के उसमें कम से कम तीस लाख रुपये प्लस सरचार्ज और सेस जो लगना है वो सब आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा करेक्ट फिर ये तो हुआ उसके सेक्शन की बात लेकिन एक उसमें टी भी डिडक्ट होता है तो उसके लिए दो सेक्शन बने हुए हैं एक है वन बी और एक है वन डबल बी ये दो सेक्शन बस अलग अलग हैं एक कोई भी कैजुअल इनकम के लिए और एक हॉर्स रेस के लिए जो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आप दस हजार से ऊपर किसी को भी कैजुअल इनकम पे करेंगे तो जो पे करने वाला व्यक्ति है उसी को समझाया गया कि भैया तू थर्टी से उसका टीडीएस ही काट ले। लेकिन अगर दस के अंदर है तो आप टीडीएस मत काटिए लेकिन जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि मान लीजिए किसी

दस हजार पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 194B और BB की है की है तो TDS तो नहीं कटेगा लेकिन सवाल है क्या 115 में उसमें लगेगा जो बोला गया है वेदर दैट इनकम एक्सेंट या यू मान लें कि दस हजार तक की कैजुअल इनकम ही एक्जेम्ट होती है क्या करना है जल्दी से बता दीजिए वो दस हजार और टैक्सेबल एग्जेम और टैक्सेबल तब तक ये बताइए उसमें यस जवाब आ रहे हैं टैक्सेबल 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 तो इसका मतलब ये दस हज़ार जो है वो टैक्सेबल होता है वो दस हज़ार के लिमिट केवल टी डिडक्शन के लिए अब क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ मिस्टेक क्या हो सकती है कि क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया लॉटरी रिसीव्ड दिया कि इतना लॉटरी मिला कि इतना का लॉटरी लगा क्या सवाल पूछ रहा है ये ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन दिया इतने की लॉटरी मिली तो टैक्स किस पे लगता है कितने की लॉटरी मिली पे टैक्स नहीं लगता कितने की लॉटरी लगी पे टैक्स लगता है करेक्ट तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हुआ है इतना लॉटरी रिसीव्ड रिसीव्ड यानी इनकम इनकम तो फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ग्रॉसिंग अप करना पड़ता है ग्रॉसिंग अप कुछ नहीं जितना भी टीडीएस कटा मान लीजिए जैसे थर्टी परसेंट रेट ऑफ टीडीएस है आज दस लाख की लॉटरी लगती है तो उसमें थर्टी मतलब तीन लाख टीडीएस कट गया होगा तो सामने वाले ने आपको सात लाख रुपए दिए होंगे लॉटरी तो रिसीव तो लेक है, लेकिन आपकी इनकम फ्रॉम अदर में जुड़ेगा कितना आपकी इनकम फ्रॉम अदर में जुड़ेगा दस लाख अब वो दस लाख कैसे जुड़ेगा तो सिंपल सी बात है सेवन लाख इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस लॉटरी पे टीडीएस का रेट क्या थार्टी दैट इज सेवेंटी तो हंड्रेड माइनस थर्टी आप करेंगे तो सेवेंटी करेंगे इस तरीके से यू विल गेट द आंसर ऑफ टेन लैक तो ये बस आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज कर रहा है लॉटरी रिसीव्ड और इतने की लॉटरी अक्रूड uh, हुई है क्योंकि उसके हिसाब से टैक्स लगता है जैसे लॉटरी इनकम टैक्सीबल होता है वैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे भी सीधी सी बात है सेक्शन 193 पे टीडीएस डिडक्ट होता है 10 परसेंट से अगर उसका अमाउंट 5000 से ऊपर है लेकिन वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहती है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता ये सारी बातें टीडीएस चैप्टर में आती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे टी डिडक्ट नहीं होता एक्सेप्ट ये 7.75 परसेंट जो टैक्सेबल बॉन्ड है उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि उस पर हम टी टीडीएस डिडक्ट करेंगे और वो भी कितना कब डिडक्ट करेंगे अगर वो दस हज़ार से ज़्यादा होता है तो अगेन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी जो मिलेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है तो वो इनकम में मेरे जुड़ेगा अगेन इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है क्वेश्चन में चेक करना है क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है अगर ग्रॉस इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो सीधा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिया जाएगा नेट इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसको भी ग्रॉसिंग अप करेंगे पर इसमें रेट ऑफ टी डी है तो उसके हिसाब से ग्रॉसिंग अप होती है अब आते हैं द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन Of income from other sources that is about taxability of gift. अगर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की हम बात करते हैं तो फिफ्टी सिक्स टू टेन जो बना हुआ है ये मैंने देखिए लिखा हुआ है अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 17 क्यों क्योंकि इससे पहले होता था फिफ्टी सिक्स टू सेवन उन दोनों में फ़र्क क्या था कि पहले गिफ्ट के प्रोविजंस केवल किस पे लगते थे इंडिविजुअल्स एंड एच पे कि अगर इंडिविजुअल ने कोई गिफ्ट लिया या एच ने गिफ्ट लिया तो ही गिफ्ट के प्रोविजन्स लगते थे तो आज अगर अदर देन इंडिविजुअल एच कोई गिफ्ट लेता था जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म जैसे कि कंपनी या एओ बाकी जितने भी पर्सन है उन पर कोई सेक्शंस नहीं थे जो प्रोविजंस को अप्लाई करते तो उसको खत्म करने के लिए और वो टैक्स uh, प्लानिंग को रोकने के लिए 5627 अबॉलिश किया फाइनेंस एक्ट सेवेंटीन ने और 56210 लाया जहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या किया यहाँ पे जो इंडिविजुअल एच था उसको हटा के लिखा एनी पर्सन तो अब फिफ्टी क्या है अगर कोई भी व्यक्ति किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहा है तो यह सेक्शन उनके लिए पहले तो यह समझिए 56 सिक्स टू टेन है किसके लिए Who is recipient of gift? उसके लिए 56 सिक्स टू टेन है तो एनी पर्सन रिसीविंग गिफ्ट एनी पर्सन क्या कर रहा है? रिसीविंग गिफ्ट किससे फ्रॉम एनी पर्सन देने वाला भी कोई भी लेने वाला भी कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं गिफ्ट ले रहा हूं तो मेरे लिए 56 सिक्स टू टेन चेक करके लेना पड़ेगा अब मैं जो गिफ्ट लेता हूं तीन प्रकार की चीजें मैं गिफ्ट में ले सकता हूं आइदर अ पर्सन विल टेक गिफ्ट गांधी जी और टेक गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई बंगला गाड़ी ये सब दे दो नॉट गाड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड और बिल्डिंग मोस्टली इसमें कवर हो जाएंगे और तीसरा होता है गाड़ी इसमें आ जाएगा दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें भी नहीं आएगा आगे चल के बताऊंगा मूवेबल प्रॉपर्टी तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपको गिफ्ट मिल रही है अब ये तीन चीजें आपको मिलती है अब गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई कब होते हैं गिफ्ट के प्रोविजंस तभी अप्लाई होंगे अगर उसका अमाउंट पचास हजार रुपए से ज्यादा है क्या बोलता है गिफ्ट के प्रोविजन सबसे पहले कैश में बात करते हैं अच्छा कैश में सिर्फ कैश ही होंगे क्या बिल्कुल नहीं यहाँ पे कैश तो एक वर्ड है कैश का मतलब चेक भी होता है कैश का मतलब एफडी भी होता है मतलब कोई भी डिपॉजिट्स भी होता है आप ये किसी भी फॉर्म में किसी को गिफ्ट दे किसी ने मुझे कैश ना दे चेक दे दिया तो वो भी तो एक तरीके का गिफ्ट ही है पैसा कैश का मतलब यहाँ पे पैसों से होता है तो किसी ने मुझे पैसे दे दिए वो पैसा चाहे कैश में दे चाहे चेक में दे या मेरे नाम पर आप इतना खुश हो गए कि लाखों की एफ बना दी तो ठीक है ये आपका प्यार है यह आपका प्यार है जिसके लिए ऐसा हो सकता है लेकिन टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इनकम टैक्सेबल हो सकती है तो क्या बोलता है कि कैश गिफ्ट जो भी मिल रहा है अगर अप टू फिफ्टी थाउजेंड है लेस देन और इवन इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड है तो यह फुल्ली है पूरा का पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा वो यानी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा फुल्ली एग्जेम अच्छा यहाँ पे हर व्यक्ति से पचास हजार है क्या मैंने ए से पचास हजार ले लिया बी से पचास हजार ले लिया सी से पचास हजार ले लिया और सब एग्जेम्ट हो गए ऐसा है क्या द आंसर इज नो यहाँ पे जो एग्जिमिशन है वो किसके लिए है एग्रीगेट यानी साल भर में मैं एक पन्ना बनाऊंगा आपको मैंने बताया था कि यहां पे एक लिस्ट बनेगी कि साल भर में मुझे किन किन लोगों ने गिफ्ट दिया कैश का और वो सब पूरे पन्ने का टोटल करूंगा अगर वो पूरे पन्ने का टोटल पचास हजार क्रॉस कर गया तो वो मेरे लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड इन एग्रीगेट इन एग्रीगेट तो वो क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल अच्छा बताओ मेरे को फिफ्टी गिफ्ट मिला या taxable 55, या ऑफ़ द बताइए कितना होगा? मिला, फिर इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम समझ के जवाब दीजिएगा करेक्ट तो uh, ये इसका सवाल का जवाब आपको uh, मैं वेट कर रहा हूँ कि व्हाट शल बी द फाइनल अनुष्का शर्मा ने जवाब दिया फिफ्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड टेक्स होगा फिफ्टी फाइव यस निधि बिल्कुल फिफ्टी फाइव थाउजेंड जवाब आ रहे हैं कि फाइव थाउजेंड पचास हजार तक तो एग्जिम्ट होता है तो बैलेंस पांच हजार टेक्स क्या होना चाहिए बिल्कुल गिफ्ट के प्रोविजन क्लियर होते जा रहे हैं कि फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल पे या तो एग्जेम्ट या टैक्सेबल बीच का कोई रास्ता है ही नहीं कि भी आप पचास हजार तक एग्जेमट और बचा हुआ ऊपर टैक्सेबल ऐसा नहीं होता पचास हजार तक रहेगा तो पन्ना फाड़ के फेंक दो फुल्ली एग्जेम पचास हजार के ऊपर हुआ तो फुल अमाउंट इज टैक्सेबल ये बात हुई कैश गिफ्ट की दूसरा मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिलता है अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं या तो मुझे गिफ्ट मिले दैट इज ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन जब हम विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो मतलब गिफ्ट या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को करोड़ों का बंगला लाखों में मिल गया पचास लाख का बंगला तीस लाख में मिल गया दैट इज कॉल्ड एज इन एडिकुएट कंसिडरेशन इन एडिकुएट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम प्राइस में मुझे वो प्रॉपर्टी मिल गई लैंड या बिल्डिंग मिल गया तो उसे बोलते हैं इनएडिक्वेट एडुटीट अब इसमें टैक्सेबिलिटी कब होगी तो बड़ा सिंपल सी बात है कि इसमें टैक्सेबल तब होगा जब जिस बंगले की यानी जिस लैंड या बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर गिफ्ट की बात है तो जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है वो सारे बंगले टैक्सेबल हो जाएंगे और जिन बंगलों की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 के अंदर है या 50,000 तक है वो फुल्ली एक्जेम हो जाएगा तो देखिए इफ द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000 थाउजेंड

वहीं अगर इनएडिक्वेट एडिकुएट कंसिडरेशन की बात आती है तो इनएडिक्वेट एडिकुएट कंसिडरेशन में ये जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और जो भी अमाउंट आप पे करते हैं अगर उसका डिफरेंस जो है पचास लाख का बंगला था आपको तीस लाख में मिल गया तो इन एडिकुएसी कितने की है बीस लाख की है अब ये जो बीस लाख की इन एडिकुएसी है क्योंकि ये पचास हजार से ज्यादा होगी तो टैक्सेबल इन एडिक हजार तक है तो एग्जैम तो वही इन एडिक दे रहा है और वही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस अमाउंट पेड यानी इन है तो फुल्ली एग्जेट हो जाएगा पर इनमूवेबल प्रॉपर्टी में हमें एग्रीगेट नहीं करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज देखना है और फिर तीसरी चीज जो गिफ्ट में मिलती है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी उसके साथ भी सेम वही व्यवहार हो सकता है

तो मान लीजिए एक लाख के शेयर्स थे मुझे किसी ने साठ हजार में दे दिए तो इन एडिक चालीस हजार की हो गई अब कोई ज्वेलरी थी एक लाख की ज्वेलरी मुझे बीस हजार में दे दी तो इन एडिकुएसी अस्सी हजार का हो गया तो ये सब जुड़ के मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा तो इन एडिकुएसी इन एडिकुसी कैसे निकाला मैंने जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी माइनस अमाउंट पेड तो इन एडिकुएसी अगर पचास के ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है और इन एडिकुएसी अगर पचास तक है तो फुल्ली एग्जेप्ट होगा लेकिन इसमें आपको क्या करना है एग्रीगेट करके देखना है यानी इसमें भी टोटल होगा जैसे हम कैश में करते थे अच्छा क्या इन सब का भी एग्रीगेट होगा क्या मान लो 30000 कैश मिला और 30000 के शेयर्स मिले गिफ्ट में क्या वो टैक्सेबल होंगे कि एग्जेम्प्ट होंगे तो यहाँ पे इन सब को कंबाइन नहीं करना है ये सब अपना अलग-अलग रहेंगे तो इस तरीके से यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगता तो ये गिफ्ट है अब उसमें प्रॉपर्टी कौन होती है वो भी बता दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग या दोनों से होता है मतलब सिर्फ यही चीजों पे फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा मूवेबल प्रॉपर्टी में केवल इतनी ही चीजें हैं दैट इज शेयर सिक्योरिटीज ज्वेलरीज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग्स पेंटिंग स्कल्पचर्स वर्क ऑफ आर्ट केवल यही चीजें हैं ओनली दिज एसेट्स तो इसका मतलब क्वेश्चन में कई बार आपको दिया रहेगा कि एस को कार गिफ्ट कर दी गई तो कार गिफ्ट करी जिसकी कीमत पांच लाख रुपए क्या वो गिफ्ट के अंदर टैक्सेबल होगा

अगर आप अपनी मैरिज में लेते हैं मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल तो मैरिज के दौरान कोई भी गिफ्ट लीजिए वो भी फुल्ली एक तरीके से एग्जेप्ट है इनहेरिटेंस के थ्रू विल के थ्रू कोई एसेट मिल जाए है डेथ के दौरान पेयर या कोई डोनर आपको गिफ्ट दे जाता है एग्जेम लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट ये सब से अगर आपको कोई एसेट्स मिल जाती हैं ऊपर लिखी हुई तो वो सब एग्जेम्ट रहता है लेकिन अब यहाँ पे रिलेटिव कौन होते हैं तो उसको भी बड़ा प्रिसाइसली डिफाइन किया गया है 562 में तो ये पूरी रिलेटिव की लिस्ट है कि अस के लिए कौन कौन रिलेटिव होंगे तो उसकी spouse, उसके स्पाउस उसके ब्रदर सिस्टर इफ़ मिस्टर ए इज़ द अस एस तो मिसेज़ ए फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ मिस्टर ए यानि उसके भाई बहन फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ मिसेज ए तो यानी स्पाउस के भाई बहन फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ़ फ़ादर ऑफ़ मिस्टर ए यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फादर ऑफ़ मिस्टर ए के ब्रदर यानी आपके चाचा बड़े पापा ताऊ जो भी बोलिए और सिस्टर मतलब भुआ हो गई सिमिलरली ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर ऑफ़ मिस्टर ए ब्रदर सिस्टर ऑफ़ मदर ऑफ़ मिस्टर ए मतलब आप समझ गए मामा लोग आ गए इसमें मामा मासी तो ये सब कवर हो गए असेंडेंट डिसेंडेंट टू मिस्टर ए एंड मिसेज ए असेंडेंट डिसेंडेंट टू मिस्टर एंड मिसेज ए मतलब फ़ादर ग्रैंड फादर या फिर फादर इन लॉ ग्रैंड फादर इन लॉ वो सब हो गए लेकिन उन और उन सब की स्पाउसेस ये जितने भी स्पाउस है वो सब जो भी जितने भी ऊपर पॉइंट का वर्ड हैं ये सब लोग ही रिलेटिव्स हैं इन लोगों से जो भी पैसा मिले जितना भी अमाउंट मिले फुल्ली एग्जैम रहता है इस पर कोई पचास हज़ार वाला लिमिट अप्लाई नहीं होता तो ये एक मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था अबाउट टेक्सीबिलिटी ऑफ गिफ्ट जिससे इसको यू कैन नॉट इग्नोर नॉट टू अंडरस्टैंड फिर एक है फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी को हम इन शॉर्ट सिर्फ ये चार उसमें खत्म कर सकते हैं कंपनी कौन होनी चाहिए एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए कंपनी पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड वो क्या कर रही है वो प्रीमियम में शेयर इशू कर रही है यानी उसका इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू यानी अगर पार में या डिस्काउंट में कर रही है तो फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी नहीं लगता और जिस दाम पे वो इशू कर रही है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है यानी इशू प्राइस इज़ ऑल्सो मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल्ड है तो जितना भी वो फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस में इशू कर रही है यानी इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू जितना भी वो इशू कर रही है मल्टीप्लाइड बाय जितने भी शेयर्स ये तो एक शेयर की कीमत हुई मल्टीप्लाइड बाय जितने भी शेयर्स उसको अलॉट हुए नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड उससे आप मल्टीप्लाई करें तो वो उस कंपनी के लिए फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी के अंदर टैक्सेबल होता है डिडक्शन फिफ्टी सेवन जो है वो डिडक्शन देता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब जो डिडक्शन्स मिलते हैं ऐसे तो कॉमनली कोई भी इनकम कमाई है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो सब आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है पर दो डिडक्शंस इस पर खासतौर पर ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको याद दिलाए या ना दिलाए उसमें डिडक्शन नंबर वन है फैमिली पेंशन कि जो भी फैमिली पेंशन मिलता है उसमें आपको स्ट्रेट अवे डिडक्शन मिलती है जितना भी पेंशन मिला उसका वन थर्ड या फिर लोअर, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी विच एवर इज लोअर एक डिडक्शन इसकी रहती है और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन या एनेस्ट कंपेंसेशन जितना भी ये कंपेंसेशन मिलेगा उसका फ्लैट फिफ्टी परसेंट आपको डिडक्शन के तौर पे मिलता है तो ये दो डिडक्शन खास तौर पे उसके अलावा तो बाकी जो भी इनकम आप कमाएंगे उस इनकम से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चे यहां पे आपको मिल जाते हैं बट दिस टू आर इंपॉर्टेंट जो हो सकता है क्वेश्चन आपको याद दिलाए या ना दिलाए वो सब आपको फोकस करना पड़ता है फिर 58 और 59 ये कुछ नहीं पीजीबीपी हेड के जस्ट कॉपी पेस्ट है कि अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन फोर्टी क्लॉज है जो पीजीबीपी में होता था जिसमें आप कई बार बिना टीडीएस काटे एक्सपेंस कर देते थे तो पीजीबीपी में फोर्टी क्लॉज ए में वो डिसअलाउ हो जाता है तो यहाँ पे भी ये फिफ्टी एट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिसअलाउ हो जाएगा फिर फोर्टी कैपिटल ए जहाँ पे वहाँ पे भी कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होते थे फोर्टी एट में दस हज़ार से ऊपर का कैश पेमेंट होता था तो वही बातें अगर बिजनेस होता था तो पी जी हेड में अप्लाई होता बिजनेस नहीं है तो फिफ्टी एट में आई में वो डिसअलाउ हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट डिसअलाउंस है फिफ्टी एट सबसेक्शन फोर की विच डील्स विथ कैजुअल इनकम जो बोलता है कोई भी कैजुअल इनकम हो कैजुअल इनकम में एक रुपये भी कोई खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम और उसका सोर्स क्या बना उसका सोर्स बना फिफ्टी एट सबसेक्शन फोर एंड फिफ्टी नाइन डील्स विद डिम्ड आई ओ एस जो कि बिल्कुल कापी पेस्ट है पी जी बी पी के सेक्शन फोटी वन विच इज़ डीम्ड पी जी बी पी यानि अगर आप बिजनेस हैड में रहते तो वो चीज़ आपकी पी जी बी पी हेड में टेक्सीबल होती अदर देन बिजनेस हैड है तो वही चीज़ आपकी आई ओ एस हेड में कवर हो जाती है करेक्ट तो इन द लिमिटेड टाइम वॉट वी हैड आई ट्राई टू कवर बोथ द हेड्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल जिससे आप ने जो भी पढ़ा वो चीज़ें आपको रिकॉल हुई हो आज का सेशन अगर आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो मेरे लिए ये एक सक्सेसफुल uh, बात रहेगी करेक्ट हम ऐसे ही आगे और भी आपके जो हेड्स हैं और भी टॉपिक्स हैं उसको भी इसी तरीके से लाते रहेंगे करेक्ट आज सभी का इन सभी सेशन में जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू करेक्ट